देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी रविवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के दौरे पर हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है, राजनीति का एक अलग दर्शन किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव ने झाबुआ दौरे को लेकर कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को सार्थक करते हुए आदिवासी अंचल झाबुआ में प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। आदिवासियों के कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ जिले में रेल और हवाई जहाज जैसी सुविधा प्रधानमंत्री जी का विजन है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ जिले के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। शर्मा जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय आलोक शर्मा जी, इस अवसर पर भाजपा के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, आज का दिन हमारे लिए और खास है। सालों पहले एक ऐसे व्यक्तित्व ने जनसंघ की स्थापना के समय से लेकर के अपने जीवन के अंतिम सांस तक लगातार अपने पूरे जीवन को यज्ञ में आहुति की तरह समाहित करते हुए देश में नहीं दुनिया में भारतीय संस्कृति की पताका फहराई, राजनीति का एक नया दर्शन दिया जिसको एकात्म मानव दर्शन के नाते से दुनिया जानती, जिसका मूल भाव गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आए, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति हो, उसका मानव जीवन सफल हो, ऐसा सुंदर विचार लेकर जिसने अपनी इस नई राजनीतिक यात्रा का नेतृत्व किया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में मैं आज इस समर्पण दिवस में भोपाल में सम्मिलित हुआ हूँ। और आज हम सबका सौभाग्य है, आज ही के दिन झाबुआ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्व हमारे अपने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को सार्थक करते हुए आज हमारे अपने पिछड़े क्षेत्र, सर्वाधिक आदिवासी अंचल के धार झाबुआ ऐसे क्षेत्र में हमारा बड़ा एक तरह से हमको संकेत भी कर रहे हैं और वो हमको समझ में भी आ रहा है कि जो पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति हैं उनके जीवन में बदलाव आए तो उनके घर की तरफ जाना पड़ेगा, उनके गांव की तरफ जाना पड़ेगा, उनके जिलों में जाना पड़ेगा। आज एक तरह से कार्यकर्ता कुंभ की तरह से आदिवासी हमारे जनजाति बंधुओं का बड़ा कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से मोदी जी ने जीवन के सब क्षेत्रों में सब बराबरी से विकास की जो कल्पना की है, खास करके धार झाबुआ तो हम सौभाग्यशाली है जहाँ तीन तीन राजमार्ग मिले, जहाँ धार झाबुआ तो सेंटर रहेगा जहाँ से बराबरी से दिल्ली और मुंबई एक समान 8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे के माध्यम से पहुँचा जा सकेगा। रेल की सुविधा हो, हवाई यातायात की सुविधा हो, तमाम प्रकार की सुविधाएं सभी क्षेत्रों में समान रूप से पहुँचे, ऐसा माननीय मोदी जी का विजन है और हम उनके इस विजन को लेकर के केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार डबल इंजन की तरह चलने को तत्पर है। मेरी अपनी ओर से पंडित जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनको पुनः स्मरण करते हुए भगवान से कामना करता हूँ, भगवान हमको सक्षम करे, समृद्ध करे और ये जो भारतीय संस्कृति की पताका दुनिया में फहराए, सनातन धर्म की जय जयकार हो। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार इस अच्छे आयोजन की सुमित जी को और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई।